हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा। रेसिपीज मैं लेके आता हूँ आपके लिए नई हर बार, जिसे खा के उंगलियां चाटते रह जाते हैं आप बार बार। फिर क्या सोच रहे हैं, चलिए हमारी किचन में हमारे साथ कुछ नया बनाते हैं और सबको अपना फैन बनाते हैं। दोस्तों, तोरी तो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन जिस तरह से हमने आपके लिए बनाई है ये तोरी, इसको अगर आप बनाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए फिर हम आपको बताते हैं ये हमने आपके लिए कैसे बनाई है। सबसे पहले हम मसाला बनाते हैं जो तोरी में स्टफ करना है। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर। ये सारे हमने मसाले डाल दिए हैं, मिक्स कर देते हैं एक बार। ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हमने इसमें ऑयल डालना है। 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। ऑयल डालने का रीजन यही है, मसाला तोरी में इजीली चिपक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप ड्राई ऐसे ही फिल कर देंगे तो वो सारा निकल जाएगा बाहर। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, मसाला बनके एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसको तोरी में स्टफ करते हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे हमने 750 ग्राम तोरी ली है, इसको हमने इतने साइज में कट करना है। ये हमने कैसे किया, इसको पहले हमने अच्छे से धोना है और इसका हमने छिलका उतार लिया है तोरी का, ये आप देखिए। और तोरी आपने जो लेनी है मोटी वाली लेनी है, पतली नहीं आपने लेनी। ये हमने 2 पीस आपके लिए रखे थे, आपको कट करके दिखा रहे हैं। ऐसे आप कट कर लेंगे। एक तोरी के आपने 3 पीस करने हैं। अब हमने इसको स्टफ करना है। स्टफ करने के लिए ऐसे हम सेंटर से कट लगाएंगे, ज्यादा डीपली नहीं आपने लगाना, नीचे तक नहीं लगाना। ये आप देख सकते हैं, इतना ही आपने लगाना है। इसके अंदर हमने स्टफ करना है, जो हमने मसाला बनाया है वो स्टफ कर देते हैं। हाथ से इजीली ये स्टफ हो जाता है मसाला। ये आप देखिए, एक और आपको दिखा देते हैं, फिर बाकी हम कर लेंगे। बहुत ही मजेदार ये तोरी बन रही है। ऐसे हमने भर लेना, सारे ऐसे तैयार कर लेते हैं तोरी, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तोरी हमने स्टफ करके तैयार कर ली है, चलिए आगे सब्जी बनाना शुरू करते हैं। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हमने अनियन डालने हैं, स्लाइस किए हुए अनियन हम ले रहे हैं 2, ये हम डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। जब तक इनमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इनको कुक करेंगे। बहुत ही मजेदार तोरी बन रही है, अचारी तोरी हम स्टफ करके बना रहे हैं आपके लिए। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। मार्केट में तो आजकल बहुत ही अच्छी तोरी आ रही है, इस टाइम तो सीजन भी है। अक्सर तोरी आप नहीं खाते होंगे, आपको अजीब सी लगती होगी खाने में, कई लोग नहीं खाते, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको आप राइस के साथ खाएं या परौंठी के साथ खाएं या आप इसके साथ कोई रायता बना लें, आपको बहुत मजे की ये तोरी लगेगी। यहाँ आप देखिए, प्याज में लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, फ्लेम हम स्लो कर देते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स कर देते हैं। साथ ही इसमें हमने कुछ मसाले डालने हैं और कड़ी पत्ता डालना है। ये कड़ी पत्ता डाल देते हैं, 20 के करीब हमने कड़ी पत्ते लिए हैं। 1 टीस्पून इसमें सौंफ डालेंगे, साबुत सौंफ डाल रहे हैं। 1 टीस्पून इसमें कलौंजी डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें राई डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून इसमें जीरा डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
साथ ही इसमें फ्रेश टमाटर की पेस्ट डाल देते हैं। चार टमाटर हमने लिए थे, उनको हमने मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लिया। पानी आपने नहीं डालना जब आपने टमाटर ब्लेंड करने हैं, तो मिक्स कर देते हैं। फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। अब हमने इसको कवर करना है, कवर करके कुक करना है जब तक कि टमाटर का कच्चा पन्ना निकल जाए, टमाटर अच्छे से कुक ना हो जाए। 5 से 7 मिनट लगते हैं टमाटर को कुक होने में। इसको हम कवर कर देते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं टमाटर को कुक होते हुए, खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक आपने ध्यान देना है, जो हमने मसाला बनाया था तोरी में स्टफ किया तब भी डाला था, उसी हिसाब से आपने डालना है, ज्यादा ना हो जाए। मिक्स कर देते हैं। ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो तोरी हमने स्टफ करके रखी थी वो हम डालेंगे। जिस साइड से हमने मसाला स्टफ किया हुआ है वो साइड आपने ऊपर रखनी है। ऐसे हम डालते जाएंगे। ये सारी तोरी हमने डाल दी है। अब हमने दोबारा से इसको कवर करना है और 10 मिनट इसको ऐसे ही कुक करना है, और फ्लेम आपने स्लो रखनी है। पूरे 10 मिनट आपने ऐसे कुक करना है, फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। 10 मिनट हो गए हैं तोरी को कवर करके कुक करते हुए, अब खोल के चेक करते हैं। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, पानी कितना आ गया, क्योंकि हमने पानी तो डाला ही नहीं था। तोरी में अपना पानी बहुत होता है। अब हमने क्या करना है, पहले इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं, 3 हम ले रहे हैं। आप जितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से डालें। मिक्स कर देते हैं एक बार। इसको हमने पलट देना है। एक बार इस रेसिपी को हमारे कहने पे जरूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार ये तोरी बनती है। हरी मिर्ची का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अभी पूरी तरह कुक नहीं हुई है तोरी, अभी कच्ची है। अब हमने दोबारा से इसको कवर करना है, कवर करके 10 मिनट और कुक करना है। 20 मिनट में तोरी पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसको दोबारा से कवर करते हैं। फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है, स्लो फ्लेम पे ही आपने कुक करना है। फिर हम आपको मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं तोरी को कुक करते हुए, खोल के चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, खोलते ही देख के ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। कितनी बढ़िया लग रही है ये तोरी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आप देखिए तोरी पूरी तरह बनके तैयार हो गई है, एकदम कुक हो गई है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ करते हैं। इसमें हमने हरा धनिया डालना है, ये हम डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस रेसिपी को आप जरूर बनाएं, प्लेन राइस के साथ खाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। चलिए फिर हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।